हारे हुए मैच को कैसे पंत और पांड्या ने जिता दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया वर्सेस इंग्लैंड फर्स्ट वार्म अप मैच। अब इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी हाइलाइट्स कैसे ये मैच भारतीय टीम ने जीता, उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप अगर चाहते हैं टीम इंडिया ये वर्ल्ड कप जीते और आप टीम इंडिया को सपोर्ट करते हैं तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको T20 वर्ल्ड कप की हर एक छोटी से छोटी न्यूज़ यहाँ पर मिलती रहेगी और क्रिकेट से रिलेटेड और दुनिया भर के हजारों फैक्ट्स आपको इस चैनल पर मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब भारतीय टीम और इंग्लैंड टॉस करने के लिए कोहली उतरे, तब टॉस तो भारतीय टीम के पक्ष पे आया और भारतीय टीम ने चूज किया कि हम सबसे पहले गेंदबाजी करेंगे। लेकिन जब गेंदबाजी की शुरुआत हुई, ओपनिंग करने आए बैटिंग में जेसन रॉय और बटलर, तब भुवनेश्वर कुमार के पहले ओवर पे शानदार एक 4 रन के साथ उन्होंने ओवर की शुरुआत की। उसके बाद तीसरे ओवर में लगातार 2 चौके पड़ने की वजह से टीम पर प्रेशर बना, पर चौथे ओवर में समी जब बॉलिंग कराने आए तो उन्होंने भी 2 चौके खाए, लेकिन उन्होंने उसके बाद पेशेंस को खोया नहीं और क्लीन बोल्ड कर दिया जॉस बटलर को। 5वें ओवर पर आए डेविड मिलन, जिन्होंने अपने खाते मतलब मैच में जो रन होते हैं अपना स्कोर स्टार्ट किया 1 चौके के साथ, तो लगा कि हाँ इनके अग्रेसिव से स्कोर काफ़ी अच्छा जाएगा। लेकिन 6वें ओवर में समी ने जेसन रॉय को चलता किया, मतलब कैच आउट करा दिया। इसके बाद पावर प्ले हुआ समाप्त और 6 ओवर पर इंग्लैंड का स्कोर था वो ये कि 51 रन पर 2 विकेट 6 ओवर। 7वां ओवर करने आए आर अश्विन, उन्होंने अपने पहले ओवर में दिए 8 रन और इसी ओवर में पड़ा 1 चौका। 8वां ओवर करने आए राहुल चेर, जिन्होंने अपने पहले ही ओवर में दे दिए 11 रन जिसमें थे 7 7 2 2 चौके। अब इसके बाद जब 9वां ओवर करने आए अश्विन, उन्होंने अपने दूसरे ओवर में मात्र 5 रन दिए और 1 भी बाउंड्री नहीं दी है। उसके 10वां ओवर करने आए राहुल चेर, जिन्होंने अपने शानदार इस ओवर में सिर्फ और सिर्फ 3 रन दिए और 1 विकेट निकाला। और वो जो विकेट था वो इतना महत्वपूर्ण था क्योंकि उस समय साझेदारी जम चुकी थी और उस समय पर उन्होंने सही समय पर निकाला 1 विकेट। अब 11वां ओवर कराने आए अश्विन, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने ओवर में 2 रन दिए और 11 ओवर के बाद जो टीम का इंग्लैंड का स्कोर हुआ वो हुआ 81 रन पर 3 विकेट। अब इससे लग ये रहा था कि 11 ओवर में 81 रन 3 विकेट है तो यहाँ से ये 130-140 तक का स्कोर पहुँच पाएगी। लेकिन 12वें ओवर में 12 रन दिए, जी हाँ 12वें ओवर में 12 रन दिए राहुल चेर ने और स्कोर पहुँचा 93 पे 3 विकेट। उसके बाद बॉलिंग करने उतरे, जिन्होंने 8 रन दिए अपने 13वें ओवर में और स्कोर पहुँचा 101 रन पे अश्विन ने, तो अश्विन का स्पेल हुआ यहाँ पर खत्म। उन्होंने 4 ओवर में एक अच्छी बॉलिंग कराई और 23 रन दिए, भले ही उन्हें विकेट नहीं मिला पर एक अच्छा रन रेट के साथ एक अच्छी किफायती बॉलिंग कराई। उसके बाद बॉलिंग कराने आए राहुल चेर अपना आखिरी ओवर, जिसमें उन्होंने 17 रन दे दिए। ओवर की शुरुआत हुई 1 छक्के से, उसके बाद डॉट फिर चौवा फिर डॉट 1 चौवा, 17 रन खा के उनका स्पेल हुआ खत्म और उन्होंने अपने स्पेल में दिया 4 ओवर में 43 रन। अब इंग्लैंड का स्कोर हो चुका था 14 ओवर पे 118 रन। अब 15वां ओवर आए मोहम्मद समी करने, जिन्होंने अपने 15वें ओवर में 12 रन दिए जिसमें 2 वाइड इंक्लूड थी, फिर भी 1 विकेट महत्वपूर्ण विकेट उन्होंने निकाला। और उसके बाद 3 ओवर में मोहम्मद समी ने 28 रन देकर 3 विकेट निकाल चुके थे और इंग्लैंड का स्कोर हुआ था 130 पे 4। 16वां ओवर बैटिंग करने आए जसप्रीत बुमराह बॉलिंग कराने और 16वें ओवर में बैटिंग करने जो आए वो थे मोइन अली। अब मोइन अली और बेस्टो जो अच्छा खेल रहे थे 32 रनों पे 44 रन बना चुके थे, तो बुमराह ने जो ओवर कराया उसमें आए सिर्फ और सिर्फ 7 रन और इंग्लैंड टीम का स्कोर हुआ 137 पे 4 16 के बाद। अब इसके बाद भुवनेश्वर कुमार 17 ओवर करने उतरे, जिन्होंने 17वें ओवर में मात्र 12 रन दिए और स्कोर पहुंच गया 149 पे 4। यहीं पर भुवनेश्वर कुमार के 3 ओवर हुए समाप्त और जैनी बेस्टो सिर्फ और सिर्फ 4 रन दूर थे अपने अर्धशतक से। 18वां ओवर मोहम्मद समी ने कराया जिसमें आए 12 रन, शानदार 2 बाउंड्रियां, उसके बाद स्कोर पहुंचा 161 और जैनी बेस्टो इस ओवर में भी अपना 50 पूरी नहीं कर पाए, लेकिन मोहम्मद समी ने अपना स्पेल किया, पूरा 4 ओवर में 40 रन के साथ शानदार 3 विकेट निकाले। इसके बाद बुमराह ने 19वां ओवर कराया जिसमें उन्होंने एक शानदार विकेट निकाला और बुमराह का स्पेल हुआ खत्म 4 ओवर में 26 रन और 1 विकेट और टीम का स्कोर पहुंच चुका था 19 ओवर 167 पे 5। आखिरी ओवर भुवनेश्वर कुमार को मिला जिसमें आए 21 रन, जी हाँ 21 रन। शुरुआत की 3 बॉलें तो काफ़ी अच्छी गई, भले ही 1 वाइड थी पर अच्छी गई 0-2-2-2, बट बाद में लास्ट की 3 बॉलों में आया चौका छक्का छक्का और इसी के साथ लास्ट ओवर में आए 21 रन और टीम का स्कोर हुआ इंग्लैंड टीम का 188 पे 5। मोइन अली ने 20 बॉलों में 43 रन ठोक दिए। अब भारतीय टीम को जीत के लिए चाहिए था 189 रन 20 ओवर में। अब जब भारतीय टीम बैटिंग करने आई तो ओपनिंग के लिए आए ईशान किशन और KL राहुल। पहले ओवर में भारतीय टीम ने 8 रन बनाए जिसमें 1 चौका था जो कि आया राहुल के बल्ले से। अब दूसरा ओवर
जब इंग्लैंड की टीम कराने आई तब दूसरे ओवर का जो स्कोर रहा वो सिर्फ और सिर्फ 5 रन रहा, मतलब कि 2 ओवर में 13 रन बनाए केएल राहुल और ईशान किशन ने मिलकर। तीसरे ओवर में भी सिर्फ और सिर्फ मात्र 2 रन आए और 3 ओवर में भारतीय टीम का स्कोर था 15 रन पे 0 विकेट। अब जब चौथे ओवर पे बॉलिंग कराने आए क्रिस वोक्स तो ये मानिए कि उन्होंने उनकी धजियां सी उड़ा दी। हुआ यह कि शुरुआत में जैसे ही पहला बॉल डाला राहुल को उन्होंने शानदार एक चौका लगाया, उसके बाद फिर एक बॉल डाला वोक्स ने और फिर एक चौका खाया, उसके बाद डॉट बॉल, उसके बाद राहुल को बॉल दी तो उन्होंने मारा एक 6 जो गया बाउंड्री रेखा के पार। पांचवी बॉल पे 0 रन, उसके बाद छठी बॉल आई उसमें शानदार चौके के साथ ओवर में 18 रन होने के बाद 4 ओवर 33 पर 0 विकेट के साथ केएल राहुल और ईशान किशन की जोड़ी चलती रही। पांचवा ओवर करने आए बॉलर मार्क वुड जिन्होंने अपने पहले ही ओवर में 16 रन दे दिए। जी हाँ, स्टार्टिंग हुई ईशान किशन से और ईशान किशन भी देख रहे थे कि जब केएल राहुल ने इतना मारा तो मैं क्यों नहीं। उन्होंने भी पहली बॉल पर लगाया शानदार 4 रन और उसके बाद दिया एक सिंपल सा सिंगल, के बाद केएल राहुल ने भी एक सिंगल दिया और इस ओवर में 4-6-4 के साथ 5 ओवर भारतीय टीम 49 पे 0 विकेट। अब अच्छी साझेदारी चली रही थी तभी छठवें ओवर में भी शानदार 10 रन आए और टीम का स्कोर हुआ 59 पे 0। सातवें ओवर पे स्कोर जो आया सातवें ओवर में वो आया 14 रन, तो 7 ओवर के साथ भारतीय टीम का स्कोर हुआ 73 रन पे 0 विकेट। अब केएल राहुल जहां 18 बॉलों पर 44 रन, वहीं ईशान किशन 24 बॉलों पर 28 रन बना चुके थे। इसके बाद आठवें ओवर में बढ़िया बॉलिंग के बदौलत सिर्फ और सिर्फ 5 रन दिए आदिल राशिद ने, क्योंकि वह स्पिनर थे और उनको समझने के लिए इन्होंने कुछ समय लिया। लेकिन उसके बाद नौवें ओवर की पहली गेंद पर केएल राहुल ने शानदार चौका मारा, लेकिन उसके बाद दूसरी गेंद पर केएल राहुल आउट हो गए। अब बैटिंग करने उतरे विराट कोहली और 9 ओवर के बाद जो स्कोर हुआ टीम का वो हुआ 85 रन पर 1 विकेट। अब 10वां ओवर करने आए आदिल राशिद, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 7 रन दिए और कोहली और ईशान दोनों ही शांति से इस ओवर को निकाल ले गए। अब 11वें ओवर में ठीक ठाक उन्होंने पार्टनरशिप को जमाने के लिए इस ओवर में आए सिर्फ और सिर्फ 7 रन और 1 चौका जो मारा था ईशान किशन ने। अब 11 ओवर के बाद टीम का स्कोर हो चुका था 99 पे 1। पर 12वां ओवर किसने सोचा कि आदिल राशिद का बिल्कुल होलिया उड़ा देंगे। जी हाँ, बात हुई ये हुई कि 12वें ओवर में जब आदिल राशिद पहले बॉलिंग करने आए तब आदिल राशिद ने जो कोहली को बॉल करी, कोहली ने वहां पर पहली बॉल पर सिंगल दिया, उसके बाद आदिल राशिद ने ईशान किशन को बॉल डाली और ईशान किशन ने लगाया शानदार 6। उसके बाद राशिद ने जब किशन को बॉल कराई उसमें आए 2 रन, फिर राशिद ने किशन को बॉल की तो आए 6। इस तरह 1-6-2-6-6-4-4-8-4 के साथ टीम इंडिया का स्कोर हुआ 1-2-3-1। अब यहां पर ईशान किशन ने अपनी 50 लगा चुके थे और 38 बॉलों में 60 रन बना लिए थे। उसके बाद 13वें ओवर में मात्र 3 रन आए और विराट कोहली का विकेट गिरा। जी हाँ, विराट कोहली ने कुछ खास रन नहीं बना पाए और जल्द ही आउट हो गए। 14वें ओवर पे ईशान किशन ने 40 रन बॉलों के साथ 62 रन बनाए और पंत ने वहीं 7 बॉलों में 14 रन और 14वें ओवर में आए 14 रन और टीम का स्कोर हो गया था 140 पे 2। 15 ओवर कराने आए क्रिस वोक्स, उन्होंने दिए 8 रन और टीम का स्कोर हो चुका था तब तक भारतीय टीम का 148 पे 2 विकेट। अब 16वें ओवर में ईशान किशन हुए रिटायर्ड, उन्होंने सोचा कि अब क्योंकि ये वार्म मैच था इसलिए उन्होंने सोचा कि अब आगे भी बल्लेबाजों को मौका दिया जाए और वो रिटायर्ड हुए। बैटिंग करने के लिए उतरे सूर्य कुमार यादव और 16 ओवर बाद भारतीय टीम का स्कोर 154 पे 2 था। 17वें ओवर में 9 रन आया और भारतीय टीम का स्कोर था 163। 18वें ओवर में सिर्फ और सिर्फ 6 रन आया और भारतीय टीम का स्कोर हुआ 169 पे 3, क्योंकि सूर्य कुमार यादव हो चुके थे आउट। अब बैटिंग करने आए थे हार्दिक पांड्या, अब हमारे पास बचे थे सिर्फ 2 ओवर और जीत के लिए चाहिए थे 20 रन। अब 19वें ओवर में जो हुआ उसके बाद मैच में 20वें ओवर की जरूरत ही नहीं पड़ी। हुआ कुछ ये कि 19वें ओवर की पहली बॉल पर हार्दिक पांड्या ने लगाया चौका, उसके बाद दूसरी बॉल पर वो डॉट, तीसरी बॉल भी डॉट हुई। अब लगा कि हाँ मैच आखिरी तक जाएगा, लेकिन चौथी बॉल जो जॉर्डन ने फेंकी उसमें हार्दिक पांड्या ने लगाया चौका, लेकिन वो बॉल थी नो, जिस वजह से मिली एक और फ्री हिट और उसमें भी हार्दिक ने जड़ा एक चौका। उसके बाद हार्दिक ने 2 रन लिए, उसके बाद एक और बॉल आई जो जिसमें हार्दिक ने लिया सिंगल, लेकिन वो बॉल थी नो। अब इसका मतलब फ्री हिट पे पंत को उड़ाने का मिला मौका और उन्होंने नहीं छोड़ा ये मौका और मार दिया एक शानदार 6, जिसके बाद भारतीय टीम का 19 ओवर में 192 रन पे 3 विकेट के साथ भारतीय टीम ये मैच जीत गई। कैसी लगी ये हाइलाइट्स कमेंट करके मुझे बताइए, और आप चाहते हैं इसी तरह की कमेंट्री और मैच के हाइलाइट्स तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हाँ या ना, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए कुणाल निषाद के मोटिवेशन चैनल को, क्योंकि आपको इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस, फैक्ट्स और हाइलाइट्स वो क्रिकेट के हों या ऑल ओवर वर्ल्ड के आपको मिलते रहेंगे। मिलता हूँ अगले वीडियो।